नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 69,000 टीचर भर्ती संबंधित एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ आप लोग को देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 टीचर भर्ती का जो आवेदन फॉर्म था, बाद में जो जिला आवंटन का फॉर्म था, मतलब इस तरह के आवेदन फॉर्म में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो संशोधन मान्य नहीं थे, जिसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों में इस बात के लिए आक्रोश था और लोगों ने पीएनपी पर जाकर भी अपनी बात रखी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हाथ नहीं आया और पीएनपी की तरफ से भी पूरी तरह से मना कर दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ने पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है कि आवेदन में त्रुटि करने वालों का संशोधन पूरी तरह से मान्य होगा। और अब चयन सूची क्या, अब यह देखना है कि चयन सूची जो है बनाई गई है, क्या चयन सूची में थोड़ा बहुत बदलाव होगा या नहीं होगा। तो आज हम पूरा का पूरा न्यूज कवर करते हैं और आवेदन में त्रुटि करने वालों का संशोधन मान्य होगा या नहीं होगा। तो पूरा का पूरा हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन देखिए, अभी भी जैसे कि अब तक तो यही माना जा रहा था कि आवेदन में किसी प्रकार का कोई संशोधन मान्य नहीं होगा, जैसा कि आवेदन देते समय ही आवेदन करते समय ही पूरा निर्देश रहता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं करेंगे। जो कुछ आप फिल कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपनी स्वेच्छा से फिल कर रहे हैं और किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं हुआ। लेकिन इधर बीच बहुत सारे कोर्ट के निर्णय आए हुए हैं और इस आधार पर आवेदन में त्रुटि करने वालों का संशोधन मान्य होगा या नहीं होगा। तो पूरा का पूरा न्यूज कवर करते हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस समय, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आइए देखते हैं क्या है न्यूज में। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आवेदन में त्रुटि करने वालों के प्रत्यावेदन पर विचार का निर्देश दिया गया है, पूरा कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने शिक्षा मित्र वाला कालम नहीं भरा हुआ था, तो वह भी कोर्ट में पहुँचे हुए हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन करते समय कुछ गलत कर दिए थे, तो वह भी लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सबका अलग अलग मामला है, कुल मिलाकर त्रुटि बहुत सारे लोगों ने की है और उस सबके त्रुटि अलग अलग हैं। तो आवेदन में त्रुटि करने वालों के प्रत्यावेदन पर विचार का निर्देश दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य, उसमा उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की है और याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि याचिकाकर्ता ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था और गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की मामला है, देखते हैं। वैसे मैं पहले बता दूं कि आवेदन में त्रुटि करने वाला ये जो मामला है, सबके अलग अलग मामले हैं और सबने अपनी अलग अलग त्रुटि की है। कुछ लोगों ने जिला आवंटन के समय में जैसे बताया कि शिक्षा मित्र बंधुओं ने कुछ त्रुटि कर दी थी, फिर जब शिक्षा भर्ती का आवेदन लिया जा रहा था उस समय सबकी त्रुटि कर दी, कुछ लोगों ने त्रुटि कर दी। तो सबका त्रुटि करने का जो सबका प्रत्यावेदन है अलग अलग है, देखते हैं क्या मामला है क्या मामला नहीं है। लेकिन पूरी तरह से हाईकोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि पीएनपी इस पर विचार करें और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों ठीक है, दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में 69,000 टीचर भर्ती टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं या जो भी लोग हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी लोग हैं, वह लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप स्वयं ज्वाइन करिए और बाकी लोगों को भी ज्वाइन करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। धन्यवाद।